पाकिस्तान से भारत लौट आई अंजू का अगला लक्ष्य अब अपने बच्चों से मिलना है। अंजू की माने तो वो बच्चों के लिए भारत आई है और जल्द ही पहले पति अरविंद से भी मुलाकात करेगी। वहीं अंजू ने बताया कि जिस समय वो पाकिस्तान में थी उस समय वहां के लोग उससे कई तरह के सवाल पूछते थे। अंजू ने बताया कि पाकिस्तान के लोग भारत और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के फैन हैं। अंजू इस साल जुलाई में भारत से पाकिस्तान गई थी। वो अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला से मिलने के लिए गई थी और फिर वहां रुक गई। उसका वीजा जो अगस्त में खत्म हो गया था उसे भी बढ़ा दिया गया है। अंजू और नसरुल्ला दोनों एक दूसरे को साल 2019 से जानते थे। टाइम्स नाउ नवभारत को दिए एक इंटरव्यू में अंजू ने बताया कि नसरुल्ला के साथ किसी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। भारत के बारे में अपर दीर के लोग उनसे कई तरह के सवाल पूछते थे। अंजू ने कहा कि पाकिस्तान के लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े फैन हैं। वहां के नागरिकों की माने तो पाकिस्तान को भी एक मोदी जैसा नेता चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। अंजू ने बताया कि वो नसरुल्ला को जल्द भारत बुलाएंगी। अंजू की माने तो नसरुल्ला बच्चों को अपनाएंगे या नहीं ये तो बात की बात है। अंजू के मुताबिक फिलहाल तो नसरुल्ला के आने में भी अभी कई तरह की प्रक्रियाएं होनी है और इसमें काफी समय लगता है। अंजू ने कहा कि उनकी योजना अब दुबई में बसने की है। उनकी इच्छा अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेने की है। हालांकि उनकी ख्वाहिश दुबई में बसने की है। अंजू से पूछा गया कि जब वो पाकिस्तान गई तो उस समय उन्हें बच्चों की चिंता नहीं हुई थी क्या। इस पर अंजू ने गोल मोल जवाब दिया। अंजू ने दोहराया कि वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही पाकिस्तान गई थी। अंजू के मुताबिक वो पहली इंसान नहीं थी जो पाकिस्तान जा रही थी। अंजू की माने तो उनकी इमेज बनी है कि वो भागकर बच्चों को छोड़कर चली गईं। उनके इरादे नेक थे और ऐसे में उनकी इमेज पर गलत सवाल उठाए जा रहे हैं। अंजू के मुताबिक बच्चे पहले से ही नसरुल्ला को जानते थे। उसने अपनी बड़ी बेटी को सब कुछ बताया था। अंजू के मुताबिक नसरुल्ला और उसके बच्चे दोनों ही एक दूसरे से सामान्य तौर पर बातें किया करते थे। अंजू ने ये भी कहा कि नसरुल्ला शादीशुदा नहीं थे। अंजू और नसरुल्ला दोनों ही अपनी शादी के सवाल को टाल जाते हैं। इस इंटरव्यू में भी अंजू ने शादी की बात को पर्सनल मैटर बताकर टाल दिया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।